हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. माई सेल्फ दीपा विश्वकर्मा, आई एम योर कंप्यूटर टीचर. टुडे टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कंप्यूटर अ मशीन एंड एन इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन भी हमने समझा था, कंप्यूटर एक मशीन है वो भी हमने समझा था. आइए हम इसमें पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. लुक द पिक्चर वेरी केयरफुली. मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. हर पार्ट का अलग अलग वर्क होता है. उसके बारे में अभी हम समझेंगे किस पार्ट्स का क्या वर्क होता है. लेट्स लर्न अबाउट दिस पार्ट वन बाय वन. आइए हम इनको समझते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मॉनिटर टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखती है. जैसे हमारी टीवी होती है वैसे ही मॉनिटर भी दिखता है. इट डिस्प्ले व्हाट वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं वो मॉनिटर पे शो होता है कि आपने क्या उस पर किया है. हम इसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, टाइपिंग भी करते हैं. जो आप करते हो कंप्यूटर पे वो सब आपका मॉनिटर पे शो करता है. नाउ हैव यू सीन अ ब्लैक बॉक्स अटैच टू योर कंप्यूटर. आपको वो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है. आइए हम उसके बारे में समझते हैं. दैट ब्लैक बॉक्स इज नोन एज सीपीयू. ये ब्लैक बॉक्स सीपीयू है. सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. आपको जब मैं कंप्यूटर लैब लेके गई थी तो आप लोगों ने ये ब्लैक बॉक्स अपने लैब में देखा है. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जस्ट एज आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखता है और वर्क हम तभी कर पाते हैं ना वर्क, वैसे ही सीपीयू भी कंप्यूटर का दिमाग है. वो भी उसके सारे पार्ट्स को अपने कंट्रोल में रखता है तभी कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है. एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सीपीयू. कंप्यूटर के सारे पार्ट सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं. सारे वायर आप लोग ने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, सारे वायर उससे कनेक्टेड रहते हैं. जस्ट एज आवर ब्रेन स्टोर अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे हमारा दिमाग बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें अपने पास हम रखते हैं, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का स्टोरेज हाउस है. वो भी अपने पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की रखता है. नाउ नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है ये हम उसके बारे में समझते हैं. अ कीबोर्ड इज सेम एज कीपैड अटैच्ड इन कैलकुलेटर एंड मोबाइल. कीबोर्ड में जैसी कीज़ है वैसी ही की आपके कैलकुलेटर एंड मोबाइल में होती है. इट इज़ मेड ऑफ सिमिलर स्मॉल बटन्स कॉल्ड की. जो छोटी छोटी बटने हैं स्मॉल बटन्स उन्हें हम कीज़ कहते हैं. कीज़ ना द कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स अ कीबोर्ड टू टेल इट वॉट टू डू. कंप्यूटर भी आप जब कुछ टाइप करते हो कीबोर्ड से, कोई भी नंबर अल्फाबेटिकल आप ईजली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो. जो भी आप टाइप करोगे वो आपके कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा एंड इट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर. आप कुछ भी टाइप करोगे देन शो योर मॉनिटर स्क्रीन, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे शो करेगा. नाउ नेक्स्ट इज माउस. अ कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ रियल माउस. कंप्यूटर माउस भी रियल माउस की तरह दिखता है. इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटेड एरो ऑन द स्क्रीन. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. आप माउस की ही हेल्प से कोई भी फाइल,
फोल्डर्स ये सब सिलेक्ट करते हो ना कंप्यूटर पे कि हाँ आज जैसे आप लोगों ने पेंट ओपन करते हो हर बार, तो पेंट भी आप माउस की ही हेल्प से उसे सिलेक्ट करते हो ना। जैसे हमें कोई भी फाइल खोलना हुआ फोल्डर वो हम इजीली खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। चिल्ड्रन डू यू नो दैट यू कैन टेक अ कॉपी और अ प्रिंट ऑफ योर वर्क यूजिंग अ प्रिंटर। आप अपने वर्क की कोई भी कॉपी कुछ भी आपको अगर चाहिए तो आप वो प्रिंटर की हेल्प से ले सकते हो। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट हेल्प यू टू प्रिंट ऑन अ पेपर व्हाट यू सी ऑन मॉनिटर। आप जो मॉनिटर में देखते हो वो आप ले सकते हो। नॉट टुडे क्लासेस इनफ